तो हेलो, गुड इवनिंग। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है, क्राइम तक की पूरी फैमिली का स्वागत है। आज सैटरडे का दिन है और आज की कहानी रिकॉर्डेड होती है। इस कहानी को भी लेके बहुत सारे लोगों ने आप में से फरमाइश की थी। हालांकि ये थोड़ी सी मतलब क्राइम भी है, बड़े लेवल का हिस्ट्री भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन चलिए इन चीज़ों से ये है कि थोड़ी मेरी भी जानकारी बढ़ती जा रही है। क्योंकि ये जब इन चीज़ों को आपको सुनाता हूँ तो फिर जब लिखना पढ़ना पड़ता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें वापस याद आती हैं और कई जानकारी बढ़ती है। हालांकि मैं कोशिश करूँगा, अभी तक मुझे पता नहीं है कि मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ ये एक पार्ट में हो या दो पार्ट में हो। जिस तरीके से आगे ये कहानी बढ़ेगी उसके बाद अपने आप डिसाइड हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि दो चीज़ें हैं इसमें। एक, बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ, बांग्लादेश का नाम कैसे पड़ा, बांग्लादेश कैसे बना, और बांग्लादेश को लेके जो जंग हुई और फिर पाकिस्तानी सेना के एक दुनिया में जो एक रिकॉर्ड है कि 90,000 से ज़्यादा सैनिकों ने एक साथ सरेंडर किया, वो कैसे हुआ, तो वो भी अपने आप में कहानी है। तो कोशिश करूँगा कि जितनी जानकारी है इस पूरे मामले में आपको आपके साथ शेयर करूँ। बांग्लादेश ये नाम शुरू से नहीं था। आज़ादी से पहले जब 1947 में हम लोगों को आज़ादी मिली तो उससे पहले ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पूरा जो इलाका था वो बंगाल स्टेट के अंडर में आता था। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो एक बंगाल स्टेट था, बंगाल स्टेट उसके अंडर में आता था और अंग्रेज़ों की उस वक्त हुकूमत थी। प्लासी की जंग हो चुकी थी, उसके बाद अंग्रेज़ों का पूरा कब्जा था और अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर जब आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत होती है, बिगुल बजता है, तो बंगाल स्टेट के अंडर में जो तमाम लोग थे वो भी इस आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ते हैं और स्वतंत्रता संग्राम में ये लोग हिस्सा लेना शुरू करते हैं। इससे थोड़ा अंग्रेज़ नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं और फिर वो कहते हैं कि इन लोगों की एकता को कैसे तोड़ें। तो 1905 में ब्रिटिश सरकार ने एक फ़ैसला लिया। उसने चूँकि ब्रिटिश हुकूमत की एक बड़ी, आप सभी जानते हैं, फूट डालो और राज करो वाली उनकी रणनीति थी, तो 1905 में अंग्रेज़ों ने बंगाल के दो टुकड़े कर दिए, उसका पार्टीशन कर दिया। जब ऐसा किया तो फिर तमाम लोगों ने इसका विरोध किया बहुत तेज़, इसके खिलाफ आवाज़ें उठी, तो फिर अंग्रेज़ को लगा नहीं कि ये शायद मैंने गलत कर दिया, तो बाद में उन्होंने फिर दोनों इलाकों को मिला दिया और वो वैसे ही रखा जैसे पहले था। तो पहले पार्टीशन किया फिर मिला दिया, लेकिन मिलाने के बाद हुआ ये थोड़ा सा असर कि पार्टीशन के बाद कुछ लोगों ने अपने आप को माना कि मैं इस इलाके को बिलोंग करता हूँ, कुछ लोगों ने माना कि मैं इस इलाके को बिलोंग करता हूँ, और जब फिर वापस अंग्रेज़ों ने इन दोनों पूरे बंगाल को एक कर दिया तो भी ये सोच कहीं ना कहीं रह गई कि बंगाल के दो हिस्से हैं, और ये सोच लोगों के जहन में घर कर गई। इसके बाद 1947 आता है, फिर अंग्रेज़ चले जाते हैं, हम आज़ाद हो जाते हैं, फिर बंटवारा होता है। तो 1947 में जब बंटवारा होता है तो जो उस वक्त का ईस्ट बंगाल था पूरा, उस ईस्ट बंगाल के जो मुस्लिम वाले ज़्यादातर इलाके थे वो पाकिस्तान के साथ चले जाते हैं। 1955 में ईस्ट बंगाल का नाम फिर बदल दिया जाता है और अब उसका नाम रख दिया जाता है ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट बंगाल का वो इलाका था जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, मुस्लिमों का वर्चस्व था, और फिर वो अलग पाकिस्तान बनता है तो उस वो पाकिस्तान के साथ जाते हैं, और अब ईस्ट बंगाल का जो नाम हो गया था वहाँ पर उस पाकिस्तान में वो हो गया था ईस्ट पाकिस्तान। अब दिक्कत ये थी कि ये जो मुस्लिम बहुमत के साथ जो आबादी ज़्यादा थी वो चले तो गए, ईस्ट बंगाल ईस्ट पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान, उसने कभी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को खुले दिल से नहीं अपनाया। जो अभी पाकिस्तान है, मतलब पश्चिमी पाकिस्तान जिसको कहते हैं,
और जो पूर्वी पाकिस्तान जो ईस्ट बंगाल बना, जो मौजूदा में अभी जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, इन दोनों में एक फर्क ये भी था कि दोनों के बीच में 1400 किलोमीटर की दूरी थी, और इस दूरी को पार करने के लिए आपको इंडिया को पार करना ज़रूरी था ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में। तो एक मुश्किल ये भी आ रही थी। खैर उसके बाद पाकिस्तान बना। पाकिस्तान चूँकि ये था कि जितने मुसलमान एक तरफ हैं वो सब मिल के पाकिस्तान बनाएंगे, तो एक इस्लाम के नाम पर ही पाकिस्तान बना, और वेस्ट पाकिस्तान में जो थे वो ज़्यादातर इस सोच के थे कि ये इस्लाम के नाम पर ही बने। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की राय दूसरी थी, और उसकी एक वजह ये थी कि वेस्ट पाकिस्तान में जो सारे के सारे लोग थे वो ज़्यादातर सारे ही मुस्लिम थे। ईस्ट पाकिस्तान का कल्चर अलग था, क्योंकि वो पहले ईस्ट बंगाल था और यहाँ तमाम धर्म के लोग रहते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम बहुमत में, हिंदुओं की भी अच्छी खासी आबादी थी, दूसरे धर्मों की भी आबादी थी, और इनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट था, ओपन था, और धर्म भी यहाँ इस्लाम सबसे ऊपर नहीं था। तो इस सब मामलों में ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के मुकाबले डिफरेंट था। एक तरह से आप कहें कि इसका सेकुलर कैरेक्टर था पूरा ईस्ट पाकिस्तान का। अब खैर लेकिन मिल गए, चूँकि उस वक्त फैसला ये हुआ था कि इस तरीके से पाकिस्तान में जाएंगे तो ईस्ट बंगाल अब ईस्ट पाकिस्तान हो गया और पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। लेकिन अब यहाँ से फिर एक लड़ाई शुरू होती है पाकिस्तान के अंदर ही, और उस लड़ाई की जो कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, वेस्ट पाकिस्तान और जो अभी पाकिस्तान है, और ईस्ट पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है, इसकी बुनियाद कहाँ से पड़ी थी? इसकी पहली बुनियाद उसी वक्त लगभग 1955 के आसपास ही पड़ गई थी, जब ये नया नया, मतलब ज़्यादा देर टाइम भी नहीं हुआ था, कुछ साल ही हुए थे बने हुए। पहली प्रॉब्लम शुरू हुई लैंग्वेज को लेकर, ज़ुबान भाषा को लेकर। पश्चिमी पाकिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज जो था वो उर्दू, वो सारे उर्दू बोलने वाले, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में, मतलब ईस्ट पाकिस्तान का जो मेन लैंग्वेज था वो बंगला था, बंगाली। और इसी को लेके अब चूँकि पाकिस्तान तो एक है, तो वहाँ दो ऑफिशियल लैंग्वेज तो हो नहीं सकते हैं, एक ही हो सकता है, बाकी लैंग्वेज को आप अलग अलग क्राइटेरिया में बांटेंगे। तो पश्चिमी वाले उर्दू के ऊपर फोकस ज़्यादा उनका जोर था कि ये होना चाहिए, और ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो अपना ईस्ट बंगाल का हिस्सा जो पहले हुआ करता था उनका था कि बंगाली होना चाहिए। तो पहली बार लैंग्वेज को लेकर आंदोलन शुरू हुआ पाकिस्तान के अंदर, उर्दू वर्सेस बंगाली, और इसको लेके फिर लोगों ने आंदोलन शुरू करना शुरू कर दिया। अच्छा, ईस्ट बंगाल जो ईस्ट पाकिस्तान था उसके लोग ज़्यादा पढ़े लिखे और मतलब उनकी जानकारी भी ज़्यादा थी, तो लैंग्वेज को लेके जब आंदोलन शुरू हुआ तो उसी वक्त एक पार्टी खड़ी हुई, अवामी लीग, और उस अवामी लीग ने इस लैंग्वेज के आंदोलन को हवा दी, और ये अवामी लीग के साथ फिर ये एक तमगा लग गया कि ये बंगाली बोलने वालों की पार्टी है, बांग्ला बोलने वालों की पार्टी है उनके साथ। तो पश्चिमी पाकिस्तान से हटकर ईस्ट पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में अवामी लीग ने इस भाषाई आंदोलन को एक तरह से हवा दिया, और उसके बाद इसको लेके काफ़ी चीज़ें हुई, अवामी लीग पॉपुलर होती गई। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि अवामी लीग के उस वक्त जो लीडर थे एक सुहरावर्दी, ये जब पाकिस्तान का आम चुनाव हुआ 1956 में, और ये 52 से 55 के बीच में ये भाषा को लेकर आंदोलन ज़्यादा हो रहा था, तो उसका फ़ायदा 1956 के चुनाव में हुआ। अवामी लीग के जो लीडर्स सोहरावर्दी, ये चुनाव जीत गए और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन जाहिर सी बात है ये ईस्ट पाकिस्तान से आ रहे थे, तो वेस्ट पाकिस्तान के नेताओं को ये मंजूर और कबूल नहीं था, और इसीलिए जो वेस्ट पाकिस्तान के लीडर थे उन्होंने सिर्फ एक साल के अंदर अंदर अवामी लीग के नेता सोहरावर्दी की सरकार को गिरा दिया और इनको बाहर कर दिया। और इसके बाद उसी साल फिर पाकिस्तान की जो राज्य सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट है जैसे हमारे यहाँ, उनको भी डिसमिस कर दिया गया। इसको लेके अब ईस्ट पाकिस्तान में एक विरोध शुरू हो जाता है कि एक चुनी हुई सरकार को आप सिर्फ इस बिहाब पे गिरा रहे हैं क्योंकि ये ईस्ट पाकिस्तान से ये नेता आता है, और आप वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में भेदभाव करते हैं। और उसी वक्त से फिर ये एक अंदर ही अंदर आवाज़ आनी शुरू हुई कि अगर इस तरह का सौतेला सलूक होता रहा तो फिर हम लोग पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे और हम एक अलग मुल्क बनाएंगे।
ये सोच 1956 के उस चुनाव में जीत और उसके बाद सोहरावर्दी को एक साल के अंदर सरकार से हटाने के बाद पहली बार ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने ये आवाज़ उठाई थी। लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही थी, अंदर अंदर विरोध चल रहा था, हक की लड़ाई चल रही थी, ईस्ट वर्सेस वेस्ट चल रहा था एक ही मुल्क के अंदर। तभी 1962 में पहली बार पाकिस्तान में जनरल अयूब खान जो आर्मी के थे, वो एक चुनी हुई सरकार और इन सबको हटाकर पाकिस्तान में मिलिट्री रूल लगा देते हैं और इसके बाद कहानी शुरू होती है। क्योंकि अब तक ये था कि चलो डेमोक्रेसी है, चुनी हुई सरकार है, लेकिन अब वहाँ पे अचानक अयूब खान एक मिलिट्री, एक आर्मी के, और वो पाकिस्तान में मिलिट्री रूल लगा देते हैं, तो जाहिर सी बात ईस्ट पाकिस्तान में भी लगा और ये वेस्ट से आते हैं, तो इसको लेके अब थोड़ी सी उथल पुथल शुरू होती है। एक यहाँ चीज़ और भी कि पाकिस्तान में जो 70% एक्सपोर्ट होती हैं चीज़ें, चाहे वो जूट हो या चीनी, ये सारी चीज़ें ईस्ट पाकिस्तान से होती हैं। ईस्ट पाकिस्तान इस मामले में काफ़ी रिच था और बिजनेस के मुकाबले में, या फिर आप कहें एक्सपोर्ट के मामले में, हर चीज़ में। तो पैसे तो पाकिस्तान की सरकार और सारी ज़्यादातर चीज़ें ईस्ट पाकिस्तान से मिलती थी, लेकिन पाकिस्तान की सरकार खर्च ज़्यादा करती थी वो वेस्ट पाकिस्तान के लोगों पर, चाहे वो विकास का काम हो चाहे बाकी काम हो। तो पहले जो तरजीह देते थे वो वेस्ट पाकिस्तान को, ईस्ट पाकिस्तान के साथ इस मामले में भी, चाहे योजनाएं अलग अलग हो डेवलपमेंट के या फिर लोगों की भलाई का काम हो, उसमें भी सौतेला सलूक शुरू हो गया था। और इसके ख़िलाफ़ फिर लोगों ने, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की। और 1969 में ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर इंटरनल चल ही रहा था, तो फिर एक बार और विद्रोह होता है और अयूब खान को हटा दिया जाता है। अच्छा, इस दौरान जब अयूब खान को हटा दिया जाता है तो पाकिस्तान में फिर से उथल पुथल आ जाता है। अब ये जो खाई थी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में, वो और चौड़ी होती जा रही थी लगातार। इवन हालत ये थी कि पाकिस्तान की जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें ज़्यादातर नौकरियां वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को मिला करती थी। मुश्किल से 10% लोग होंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, जो 10% लोग जो ईस्ट पाकिस्तान से आते होंगे। ईस्ट पाकिस्तान में बिजनेस या बाकी डेवलपमेंट की चीज़ें भी नहीं हो रही थी। और तो और गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी बंगाली कल्चर, लिटरेचर, म्यूज़िक पर भी पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ ये था कि हम इस्लामिक कंट्री, हम इस्लाम के नाम पे हमारा जन्म हुआ, तो ये चीज़ें इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो अब बंगाली जो ईस्ट पाकिस्तान था वो थोड़े खुले हुए थे, उनका कल्चर डिफरेंट था, तो वहाँ की म्यूज़िक पे, लिटरेचर पे और कल्चर पे बहुत सारे ऐसे हमले किए गए। फिर एक कुदरती मार भी पड़ती है 1970 में पूर्वी पाकिस्तान में ही, बंगाल की खाड़ी से एक भयानक तूफान आता है और उसके बाद वो ईस्ट पाकिस्तान में उसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। लेकिन उस नुकसान और वहाँ के लोग जब परेशान थे, तब भी पाकिस्तान की सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की, इससे भी उनका गुस्सा भड़का। तो छोटी छोटी चीज़ें मिलकर, चाहे वो भाषा से शुरू हुई, फिर नौकरियों से हुई, फिर डेवलपमेंट के काम से हुई, फिर पैसे ना देने के उस पर हुई, फिर ये जब तूफान आया उससे जो नुकसान हुआ उसको लेके कुछ नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। और उधर शेख मुजीब जो हैं वो बांग्लादेश में, मतलब सॉरी बांग्लादेश नहीं, उस वक्त अभी तो ये ईस्ट पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान के हक़ के लिए अपना वो लड़ाई लड़ना शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे वो फेमस होते जा रहे हैं। ये सब चीज़ चलने के बाद, उसके बाद मिलिट्री रूल ख़त्म होता है 1970 में, फिर से चुनाव होता है और इस चुनाव में शेख मुजीब जो ईस्ट पाकिस्तान से आते हैं वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन सबसे गड़बड़ यही होता है, 1970 में पाकिस्तान का नेशनल चुनाव जीतने के बावजूद शेख मुजीब की आवामी पार्टी को सरकार नहीं बनाने दिया जाता और ये काम करते हैं पश्चिमी वेस्टर्न पाकिस्तान के नेता। अब जब यह है कि मेजोरिटी आ गई सरकार के लिए, जितनी सीट चाहिए थे वो आ गई, उसके बावजूद अब सरकार नहीं बनाने दे रहे हैं, तो इसका मतलब है सीधे सीधे अब ये हो गया कि ईस्ट पाकिस्तान के नेताओं के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है वेस्ट पाकिस्तान में, ये मैसेज गया। और इसी मैसेज ने, और इस मुजीब, शेख मुजीब को सरकार न बनाने देने की वजह से, अब जो अब तक छोटी छोटी चीज़ें, जो विरोध और सारी चीज़ें हो रही थी, वो अब उसने एक बगावत का एक बड़ा रूप ले लिया। 7 मार्च 1971,
चुनाव जीतने के कुछ महीने के बाद जब उनको सरकार नहीं बनाने दिया गया, शेख मुजीब ने ईस्ट पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी रैली की और 7 मार्च 1971 को उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, हमें पाकिस्तान से अलग होना है। ये सीधे सीधे पाकिस्तान के अंदर से खुल्लम खुल्ला एक बड़े नेता के ज़रिए ऐसा ऐलान, ये पहली बार 7 मार्च 1971 को हुआ था। अब जब ये हुआ तो जाहिर सी बात है कि इसको बगावत के तौर पे लिया गया और उसके बाद फिर पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान के नेता और वो सारे, उन्होंने इसको कहा कि ये होगा नहीं, और यहीं से फिर जुल्म की कहानी शुरू होती है। पाकिस्तानी सेना को बाकायदा भेजा जाता है और तब भी पाकिस्तान में मिलिट्री शासन था। 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान के जनरल याहिया खान थे, वो एक ऑपरेशन सर्च लाइट चलाते हैं इस शेख मुजीब के इस ऐलान के बाद कि हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, हमें अलग देश बनाना है। इसके बाद शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया जाता है राष्ट्र विरोधी बयान देने और हरकतों के इल्ज़ाम में। और उधर ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान के कुछ लीडर की मिली भगत से एक नया संगठन खड़ा होता है, जमात इस्लामी, जो बहुत ही कट्टर संगठन और जो वेस्ट पाकिस्तान की चीज़ें उनसे बड़ी मिलती थी कि हमें इस्लामिक राज चाहिए, इस्लाम के ऊपर चलना है और बाकी सारी चीज़ें उसी हिसाब से ये देश चलेगा। तो जमात इस्लामी का इधर ईस्ट पाकिस्तान में पहली बार गठन हो जाता है और ये जितने कट्टरपंथी थे ये लोग उस जमात इस्लामी के हिस्सा हो जाते हैं। अब पाकिस्तानी आर्मी शेख मुजीब को गिरफ्तार करने के बाद ईस्ट पाकिस्तान में विरोध हो रहा है, लोगों का धरना प्रदर्शन हो रहा है और जो भी पाकिस्तान के खिलाफ सोचते या बोलते उनको खुल्लम खुल्ला पाकिस्तानी आर्मी को कहा गया कि आप जाओ और उन्हें मार दो। और इस काम में पाकिस्तानी आर्मी की मदद की ईस्ट पाकिस्तान में बने इस संगठन जमात इस्लामी ने, जो कट्टरपंथी लोगों को मिलाकर बनाया गया था और जिसका मकसद था कि यहाँ पे ये सारे जो बांग्लादेशी, जो बंगाली कल्चर हैं, लिटरेचर हैं, म्यूज़िक है, इन सब चीज़ें इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, तो वो पाकिस्तानी आर्मी के साथ हो गए जमात इस्लामी। अब पाकिस्तानी सेना और जमात इस्लामी के लोग, इन दोनों ने मिलकर ईस्ट पाकिस्तान में चुन चुन कर उन लोगों को मारना शुरू किया जो पश्चिमी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, जो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते थे, अलग देश चाहते थे। तो जो भी ऐसे लोग थे, चाहे वो स्टूडेंट हों, महिला हों, बच्चे हों, नेता हों, बुज़ुर्ग हों, हर एक को टारगेट करना शुरू कर दिया पाकिस्तानी आर्मी ने। कहते हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक 25 से 30 लाख लोग इस ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान मारे गए और ये तमाम आम लोग थे। बट ये था कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते थे, अलग मुल्क बनाना चाहते थे और पाकिस्तान ने उसको कहा कि ये राष्ट्र विरोधी है, देश के ख़िलाफ़ है। तो वो पाकिस्तानी सेना का ऐसा जुल्म हुआ कि उन्होंने आम लोगों को चुन चुन का मानना शुरू किया और 25 से 30 लाख लोगों की जानें चली गई। सिर्फ 4 लाख औरतों और लड़कियों के साथ, 4 लाख, सोचिए आप तादाद, 25-30 लाख लोग तो मारे गए, करीब 4 लाख औरतों और लड़कियों के साथ रेप किया गया और ये रेप करने वाले वही पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे और उनके साथ जो जमात इस्लामी के वहाँ पे कट्टरपंथी ताकत के लोग थे उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आया। इसके अलावा कहते हैं कि करीब 3 करोड़ लोग बेघर हो गए। जब पाकिस्तानी आर्मी का जुल्म शुरू हुआ और लोगों को चुन चुन का मारा जाने लगा, हॉस्टल में, यूनिवर्सिटी में, अदालत में, बिजनेस, दुकान, चौराहे, बाज़ार, मोहल्ले, हर जगह पे खून खराबा था। तो अब इतनी बड़ी तादाद में मतलब लाशें ही लाशें होती थी तो लोग घबराए भी, कई अपने परिवार को बचने के लिए भागे तो वो कहाँ भागे, पाकिस्तान की तरफ जा नहीं सकते, उधर भी मौत है, यहाँ रहें तो भी मौत है, तो उनके लिए एक ही आसरा बचा था, वो था हिंदुस्तान। और ये सब लाखों की तादाद में तब उस वक्त जान बचाने के लिए लोग पश्चिम बंगाल की तरफ भागे, जो अभी हमारा पश्चिम बंगाल है, क्योंकि वहाँ से उनकी सरहद बिल्कुल लगी हुई थी, पहले एक ही था बंगाल। तो लोग वहाँ आना शुरू हुए। अब ये हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान की हालत ख़राब है, पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पे दबिश डाल रही है, इतने लोगों को मारा जा रहा है और हमारे यहाँ रिफ्यूजी की तादाद बढ़ती जा रही है, तो हमारे लिए भी ये प्रॉब्लम हो गई। पहली बार तब हम लोगों ने सोचा कि इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं तो ये हमारे लिए भी प्रॉब्लम है, लाखों लोगों को संरक्षण देना और उनको रखना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है।
इसके अलावा फिर ये भी था कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ पश्चिम बंगाल के लोगों की बड़ी हमदर्दी भी रही, और चूँकि साथ रहे हमेशा, अब एक लकीर खींच दी गई कि अब तुम यार तुम्हारा मुल्क ही हमारा मुल्क ही, तो लकीर से रिश्ते ख़त्म नहीं होते। तो पश्चिम बंगाल के बहुत सारे ज़्यादातर लोगों की हमदर्दी ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले, उन्हीं की भाषा बोलने वाले उन लोगों के साथ था जो बांग्ला भाषी थे। तो जब ये चीज़ें हुई तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उन तक फिर ये बात पहुंची और हालात पे लगातार नज़र थी ही थी। अब ये भी था कि पश्चिम बंगाल और हमारी भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, तो हम उनको इस तरह मरते हुए भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन इस तरह के से रिफ्यूजी जा रहे हैं हम, उनकी तादाद भी बढ़ते हुए नहीं देख सकते, तो कुछ ना कुछ करना था। लेकिन ये था कि अब जंग ही एक सूरत थी, तो उसमें दुनिया का भी सपोर्ट चाहिए था। तब इंदिरा गांधी ने उस वक्त कई 12-15 कंट्री के दौरे भी किए, और नफ्स टटोली, और ये भी था कि इस तरह से हम खामोश नहीं देखेंगे लोगों को मरते और ये करते हुए। और आखिर में फिर इंदिरा गांधी ने हमला करने का आदेश दिया पाकिस्तानी सेना के खिलाफ। अब इसमें यह था कि ये हमला करने का तो दे दिया था, और उस हमले में, हालांकि जंग में थोड़ा वक्त लगा, इस जंग की कहानी को मैं, चूंकि अभी समेटना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, एक पूरे जंग की कहानी एक अलग एपिसोड में सुनाऊंगा। तो अभी सिलसिलेवार सिर्फ ये कि उसके बाद इंदिरा गांधी ने हमला करने का आदेश दे दिया। इधर एक प्रॉब्लम यह थी कि अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान मतलब वेस्ट पाकिस्तान जहाँ के लोग ज़्यादा उस वक्त असरदार थे, और ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ जुल्म हो रहा था, तो अमेरिका की अपनी कुछ मसलहत थी, तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। और कहते ये भी हैं कि अफवाह ये भी थी कि अमेरिका को जब पता चला कि इंडिया अटैक करने जा रहा है हमला, तो उसने अपना न्यूक्लियर हथियार का एक जहाज़ जो बेड़ा था वो भी बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिया था, बल्कि रवाना कर दिया था। लेकिन इधर रूस हमारे साथ था, और इस पूरे मामले में जो पाकिस्तान में रहता, रूस को भी लग रहा था कि इस पाकिस्तानी के साथ जुल्म हो रहा है, तो इंडिया जो एक्शन ले रहा है इंडिया सही है, तो रूस इंडिया के सपोर्ट में था। और कहते हैं कि जब ये खबर आई कि न्यूक्लियर हथियार से लैस जहाज़ को बंगाल की खाड़ी में अमेरिका भेज रहा है, तो रूस ने इंडिया की मदद के लिए भी, कहते हैं कि बंगाल की खाड़ी में ऐसे ही न्यूक्लियर वेपन से वो अपना भेजने का फैसला किया। और कहते हैं कि जब ये बात अमेरिका को पता चली तो फिर उसने अपने जहाज़ को वापस बुला लिया। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ ये भी कही जाती है कि अमेरिका को लगता था कि ये जंग लंबी खींचेगी, लेकिन हमारे सेना ने वक्त से पहले जो उनको टारगेट दिया गया था उससे पहले ही इस जंग को निपटा दिया था, और इसीलिए अमेरिका को इसमें ज़्यादा दखल करने का भी टाइम नहीं मिला, और अमेरिका ने फिर अपने हाथ भी खींच लिए। इसके बाद इंडियन फौज जाती है, वहाँ पे लड़ाई चलती है, और आखिर में करीब 90,000 से 94,000 सैनिक पाकिस्तान के वो सरेंडर करते हैं भारतीय फ़ौज के साथ। कहते हैं कि इसकी एक सरेंडर के पीछे एक और भी वजह ये थी कि पाकिस्तान के जब सेना वहाँ पे घिर गई ईस्ट पाकिस्तान में हर तरफ से, तो ये कहा गया था कि अगर आपने हथियार नहीं डाले और जंग ख़त्म नहीं हुई तो हम बॉम्ब गिरा देंगे। तो कहते हैं कि उससे भी पाकिस्तानी सैनिक घबरा गए थे और डर गए थे, और कोई लीडरशिप उस तरह की थी नहीं, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। तो उस डर की वजह से भी, एक साथ दुनिया में इतिहास है कि इतनी बड़ी तादाद में किसी देश के सैनिक ने सरेंडर किया हो, ये इतिहास है कि बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तान में ढाका में पाकिस्तान के 90,000 से ज़्यादा सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के सामने सरेंडर किया था। इस सरेंडर के बाद जाहिर सी बात है ईस्ट पाकिस्तान की जो लड़ाई थी वो ख़त्म हो गई, और अब वो ईस्ट पाकिस्तान एक नया देश के रूप में सामने आता है, और उसका नाम रखा जाता है बांग्लादेश जो आज है। तो इस लड़ाई के लिए ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने बहुत कुछ खोया, सिर्फ पाकिस्तानी सेना के हाथों वहाँ के आम लोग 6 लाख के करीब, जो मैंने आपको बताया कि जाने गई, और औरतें लड़कियों के साथ रेप हुआ। और उसके बाद खैर जब इस हिंदुस्तान की मदद से नए पाकिस्तान का जन्म होता है तो उसके बाद वो एक सेकुलर कंट्री बनता है। और चूंकि इससे पहले शेख मुजीब चुनाव जीते थे और वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने उनको बनने नहीं दिया था प्रधानमंत्री, तो उसी चुनाव के नतीजे के आधार पर बांग्लादेश जब आज़ाद हो जाता है तो शेख मुजीब को पहला पाकिस्तान का, वो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री चुना जाता है। और शेख मुजीब जो है वो टेम्प्रोरी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं,
उसके बाद 1973 में पहली बार बांग्लादेश में अपना चुनाव होता है और उस चुनाव में भी शेख मुजीब जो है वो चुनाव जीतते हैं। फिर 1972 में बांग्लादेश का अपना संविधान आता है और उसके बाद जमात इस्लामी पर बैन लगा जाता है, उनके लोगों को पकड़ा जाता है। फिर अलग अलग उसके बाद वहाँ की भी राजनीति और पॉलिटिक्स होती है, शुरू होती है, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन सिर्फ ये कि एक मुल्क के अपने ही दो लोगों के साथ, दो अलग अलग इलाकों के लोगों के साथ भेदभाव करना कितना नुकसानदेह होता है, उसकी मिसाल है ये कहानी। अगर पाकिस्तान जब बना और पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के साथ सेम सलूक करता, भेदभाव ना करता, तो शायद पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी। उसने उर्दू और बंगाली भाषाओं को अलग अलग माना, उसने बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों को पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमानों से कमतर समझा, उनके हक़ को मारा, उनके साथ नाइंसाफ़ी की, और जिसका अंजाम ये हुआ कि पाकिस्तान को अपने ही मुल्क के दो टुकड़े झेलने पड़े। ये थी पूरी कहानी। लेकिन बांग्लादेश के जंग की कहानी अपना एक, चूँकि उसमें लंबी एक कहानी है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उसमें, वो मैं किसी दिन और आपको सुनाऊँगा। तो इस बारे में और आपके पास कोई जानकारी हो या कुछ शिकायतें हों, कुछ तारीफ़ हो, कुछ सुझाव हो, तो ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल इतना ही आज। कल संडे है तो आप लोग अपना छुट्टी इंजॉय करें। आईपीएल के दिन संडे को दो दो मैच होता है तो वो मज़ा आता है वो भी देखने में, तो मैं भी आईपीएल के दोनों मैच देखूँगा। और मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।